हे गाइस, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को विल्दान एंड मामा इंडियन ब्लॉग्स। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेल आइकन को हिट कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीटरूट प्यूरी बनाना। तो इसके लिए हमें चाहिए बीटरूट, इसको अच्छी तरीके से कट करके रख लीजिए। और उसके बाद में हमें 1 कप पानी चाहिए। अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैं डालूँगी बीटरूट। बाद में मैं डालूंगी इसमें वाटर। और इसको जो है हम 10 मिनट तक के हाई फ्लेम पर पकाएंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट हो गए और इसकी विसल भी हो गई है। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और कुकर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जो है तो देखिए, अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है ये। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि अच्छी तरीके से गल गए हैं या नहीं। तो देखिए, बहुत फाइनली और बहुत अच्छी तरीके से ये जो है तो सॉफ्ट हो गए हैं और अब ये तैयार है आगे के प्रोसेस के लिए। मैं इसको मिक्सी ग्राइंडर की हेल्प से ग्राइंड कर लूँगी अच्छे तरीके से। एंड ग्राइंड करने के बाद में हमारी स्मूथ प्यूरी बनके जो है तो वो तैयार है इस टाइप से। इसकी देखिए कंसिस्टेंसी इस टाइप से होना चाहिए, ना पतली होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, सेमी सॉलिड। तरीके से जो है तो हमारी हेल्दी बीटरूट प्यूरी बनके तैयार है, जो कि बच्चों के ब्लड बढ़ने के लिए, ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए, आँखों के लिए और इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और हीमोग्लोबिन बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की ये बेबी रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नया इंटरेस्टिंग देख के। जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।